प्रधानमंत्री को तो जितनी बार सैल्यूट किया जाए कम है कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए। ऐसे बड़े डिसीजन लेने के लिए मर्दानगी चाहिए होती है, मर्द चाहिए होता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। आप उन पर उंगली उठाते हैं, उनको गंदे शब्दों से नवाजते हैं, शर्म आनी चाहिए, बल्कि खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए कि जो सारी जिंदगी हम नहीं कर पाए आप कर पाए हैं, आपकी जिंदाबाद। औकात में तो ओवैसी को रहना चाहिए, उसकी क्या औकात है कि वो हमारे देश के सेना प्रमुख को कुछ कहे? और सेना प्रमुख क्या देश में आप अराजकता फैलाओगे ये कहने के लिए नहीं है ताकतवर इंसान की, कहें कि बेटा आप अराजकता मत फैलाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्यों नहीं कह सकते सेना प्रमुख? सेना प्रमुख सेना को भी आदेश दे सकते हैं और देश के नागरिकों को भी समझाया बुझाया जा सकता है उनके द्वारा। ओवैसी को समझने की जरूरत है। मुसलमान की जो रोटी खाई है ना बरसों बरस, वो जो टोपी लगाकर झूठ झूठ बोला है बरसों बरस कि मुसलमानों तुम्हारा तो बड़ा अत्याचार हो गया, वो सब दुकान बंद हो रही है ओवैसी की भी। अब ओवैसी को ये छटपटाहट है अगर मुसलमानों वाली दुकान बंद हो जाएगी तो मैं करूंगा क्या? अब शबनम खान जैसे जागरूक लोग सड़कों पे घूम घूम के मुसलमानों को जागरूक करेंगे कि हम ओवैसी के पिट्ठू नहीं है, हम किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के पिट्ठू नहीं है, जो हमें समाज में ऊपरी दर्जा दिलवाएगा हम उसके साथ देंगे। आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, ये चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई और हो, या बुद्धिजीवी बनके जो घूम रहे हो, जो हमारे देश को खोखला करने का काम करते हैं, बाहरी आतंकवाद से निपटना आसान है शरीन, ये जो घरेलू आतंकवादी है ना जो हमें खोखला करते हैं अंदर से, इन पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से मेरी अपील है कि प्लीज़ ऐसे ये जो अंदरूनी हमारे हैं ना घात पहुंचाते हैं जो हमें, इन पे अंकुश लगाने के लिए करिए कड़े से कड़े काम। पूरे देश की जनता और मेरे जैसे जो देशभक्त हैं सब आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम जय। और इमरान खान को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ना, अपना बिल भरने की औकात, अपने प्रधानमंत्री कार्यालय का बिल भरने की औकात भी नहीं है, वहां पे लोग जूझ रहे हैं दो जून रोटी मिल जाए उसकी भी औकात नहीं है, भोंकने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े बातें इनके पास। तो इमरान खान अपनी औकात में रहे, वरना वो पाकिस्तान भी अभी थोड़े दिन में अगर गुस्सा दिलाया ना भारत के लोगों को, पाकिस्तान को इधर घसीट लाएंगे अपने पास। दो दिन लगते हैं हमें सिर्फ, इतनी ताकतवर है हमारी फौज, ये याद रखना चाहिए उसको। मैम NPR को लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए NPR तो हमेशा हमारी जो कितने हैं जनसंख्या इस पर होता ही रहता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई भी मुझसे पूछेगा मेरे घर में कितने लोग रहते हैं, माता पिता बहन भाई, तो मैं बताने के लिए इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये तो आसान सा सवाल है। इतने दिनों से NPR चलता रहा, उसे लेकर आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, पर उसमें भी विपक्षी पार्टियां लोगों को ये लेकर भड़का आने में लगी हैं कि NPR NRC की शुरुआत है। देखिए विपक्षियों का तो क्योंकि दुकानें सबकी शटर डाउन हो गए, तो जब दुकानें बंद हो जाती है ना तो छटपटाहट आप देखती हैं कैसी होती है, तो ये जो छटपटाहट आप विपक्षियों की देख रही हैं ये सिर्फ उसकी देन है, बाकी ना उन्हें NPR से मतलब है, ना NRC से मतलब है, ना उन्हें और किसी बात से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन शायद इसके बहाने कुछ मुस्लिम भाइयों को बहका कर बरगला कर कुछ फ़ायदा लिया जा सके, सिर्फ इस पर उनका मतलब है, बाकी उन्हें ना मुसलमान से मतलब ना ये सब क्या रहे जो भी, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है उनका। राहुल गांधी कहते हैं कि 2000 जैसे कि अभी नोटबंदी की थी तो वो भी अत्याचार था गरीबों के ऊपर, और ये भी अत्याचार हो रहा है NPR ला के टैक्स लिया जा रहा है गरीबों से, इस तरह के बयान। सारा अत्याचार 2014 से शुरू हो गया, बाकी जो 60-65 साल रहे उन्होंने तो बहुत हमें सर पे बिठा के रख रखा था। झूठ क्यों बोलते घूम रहे हो? एक सत्ता पाने के लालच में आप किसी भी नागरिक को भेंट चढ़ा दे रहे हो, उनकी बलि ले रहे हो। मैं तो इसे बलि लेने के बराबर मानती हूँ। आपने मुसलमान भाइयों को भड़काया, 20 भाइयों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? आपने नोटबंदी के नाम पे भी ये भुनाने की कोशिश की थी लेकिन जनता समझदार निकली। अब आप इस पे NPR पे भी CAA पर भी पता किसी को कुछ नहीं है, जानकारी किसी को कुछ नहीं है, लेकिन भुनेगा कैसे? शायद भुन जाए, इस चक्कर में सारी विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। जैसे कि अभी आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे के दिन भी जो गया हुआ फ्राइडे है उस दिन भी काफी सारी जगहों पे दंगे फसाद हुए थे सिर्फ विपक्षी पार्टियों की वजह से, जो उन्होंने CAA को लेकर लोगों को बरगला दिया, तो क्या लग रहा है कि आज फ्राइडे है तो आज भी इस तरह के हिंसा करने पे ये विपक्षी पार्टियां उतारू हैं तो कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। आप देख रही हैं देश का मुसलमान समझदार हुआ है, देश के मुसलमान को मैंने कहा था अवेयरनेस की जरूरत है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या आया क्या नहीं आया, इन्होंने भड़काया और वो उनका रिएक्शन कहें या इनके भड़काए में आकर जो छोटे छोटे कुछ लोग होते हैं वो बाहर उपद्रवी बनकर आ जाते हैं। तो अब आप देख रही हैं आज जुम्मा है और सारे मुसलमान भाइयों ने एक दूसरे से शांति की अपील की है और नमाज के बाद आराम से घर जाने को कहा है,
तो मुझे लगता है मुसलमान धीरे धीरे समझ रहा है, मुसलमान को अकल आ रही है कि ये भुनाकर हमें मरवाकर हमें दंगाई कहलवाकर घर बैठ जाएंगे और आप पर हम मारे जाएंगे। भुगतान कौन भरेगा? जो पत्थर मारते हुए फोटो खींची उसका 1.5 लाख का भुगतान कौन पार्टी भरेगी? कोई नहीं ना, वो गरीब आदमी फंस गया ना इनके चक्कर में। तो मुसलमान जागरूक हुआ है और आज आप देखेंगे सब जगह शांतिपूर्वक नमाज हो रही है, शांतिपूर्वक सब चल रहा है, सब मुसलमान जागरूक हुए। सेना प्रमुख विपिन रावत कहते हैं कि जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां लोगों से पत्थर मरवा रही हैं, देश की जो संपत्ति है उसमें आग लगा रही हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस पे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि विपिन रावत जो कि सेना प्रमुख है हमारे, वो अपनी औकात में रहे, अपनी हद में रहे, किस तरह का बयान? औकात में तो ओवैसी को रहना चाहिए, उसकी क्या औकात है कि वो हमारे देश के सेना प्रमुख को कुछ कहे? और सेना प्रमुख क्या देश में आप अराजकता फैलाओगे ये कहने के लिए नहीं है ताकतवर इंसान की कहे कि बेटा आप अराजकता मत फैलाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। क्यों नहीं कह सकते सेना प्रमुख? सेना प्रमुख सेना को भी आदेश दे सकते हैं और देश के नागरिकों को भी समझाया बुझाया जा सकता है उनके द्वारा। ओवैसी को समझने की जरूरत है, मुसलमान की जो रोटी खाई है ना बरसों बरस, वो जो टोपी लगाकर झूठ झूठ बोला है बरसों बरस कि मुसलमानों तुम्हारा तो बड़ा अत्याचार हो गया, वो सब दुकान बंद हो रही है ओवैसी की भी। अब ओवैसी को ये छटपटाहट है अगर मुसलमानों वाली दुकान बंद हो जाएगी तो मैं करूंगा क्या, राजनीति के लिए उसके पास और क्या चैप्टर रह जाएगा, इसलिए थोड़ी छटपटा रहे। लेकिन मुसलमान जागरूक हुआ है, मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ, मुसलमानों में बहुत बदलाव आया है। मुझे एक तरफ जहाँ धमकियों के फोन आए, एक तरफ बड़ा तबका मुसलमानों को कह रहा है बाजी आप ठीक कह रही हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारा कोई इस्तेमाल ना कर ले, हमें दंगाई और अराजकवादी बता बता कर कहीं वो रोटियां ना भुनाने की कोशिश कर ले। और सारा जुल्म जो मुसलमान सहेगा, अब कोई राजनीतिक पार्टी को आपने देखा है वैसे ही आया है आगे खड़ा होकर कि नहीं नहीं डंडा इसको नहीं लगना चाहिए, डंडा मुझे लगना चाहिए। पत्थर जो मारा था जिसने, उसको पत्थरवादी का जो टैग मिला है उसे वैसे अपने ऊपर लेंगे, अपने लिए कुछ नहीं, अपने घर जाकर बैठ जाएंगे, कोरी बकवास करेंगे, मुसलमानों को फंसवाएंगे, मुसलमानों को ठीकरा फोड़ेंगे सारा सर पे, आतंकवादी कहलवा देंगे और वैसी जैसे और जो विपक्षी पार्टी हैं घर जाकर बैठ जाएंगी। तो अब ये नहीं चलेगा। ये मेरी आवाज़ बुलंद जो मैंने की है ना, ये मैंने मुसलमान भाइयों को जागरूक करने के लिए की है। आप समझिए, ये लोग आपका इस्तेमाल करते आ रहे हैं बरसों से, इस्तेमाल कर करके ये सत्ता में मजे लेते हैं और मुसलमान कहाँ जाता है कि आप दलितों से भी पिछड़े हो, तो फिर आपने दिया क्या मुसलमानों को? यही मेरी आवाज थी और यही मैं आवाज हमेशा बुलंद करती रहूंगी। मैम पहले तो असदुद्दीन ओवैसी गरीबों से अब ये कह रहे हैं कि लोगों को बड़गलाने का काम किया तो उन्होंने सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, अब वो एनपीआर को लेकर भी कहते हैं कि अगर मैं सड़कों पे निकलूंगा तो आप मेरा साथ दोगे, क्यों? नहीं, सड़कों पे निकलेंगे तो फिर एक पक्ष वाले भी सड़कों पे निकलेंगे ना। आप दंगा फैलाना चाहते हैं देश में, यानी आपको शांति बर्दाश्त नहीं है, यानी आप, मैं पिछले सालों की भी बात करूं तो दंगा फैलाने में ओवैसी जैसे लोग कहीं ना कहीं सम्मिलित पाए जाएंगे। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, क्यों भड़का रहे हो, क्यों मुसलमान को टारगेट बनवा रहे हो? भड़काने का काम नहीं, संभालने का काम करना चाहिए अगर मुसलमानों की नेतागिरी करनी है तो। नेतागिरी करिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बेवकूफ़ बनाकर उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां भाजना गलत बात है। तो ओवैसी को जवाब मैं दूंगी, आप ओवैसी से पूछिए कोई भी सवाल, जवाब शबनम खान देगी उसको। अब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम एनपीआर को भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, जो इतने दिनों से जनगणना चलती आ रही है, आज उस पे भी रोक लगाने की बात कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, क्यों जनगणना क्यों नहीं होगी, क्यों जनगणना नहीं होगी मेरे देश में? क्यों नहीं पता चलेगा कितने परिवार कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं बच्चे का, वहाँ पे आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? तो यहाँ भी नहीं बताएंगे आप? कैसी कैसी बातें करके बुद्धू बना रहे हो देश की जनता को। मैं तो देश की जनता से आपके माध्यम से श्रीन आह्वान कर रही हूँ, उनसे एक गुजारिश कर रही हूँ, जागरूक होइए। ये सब राजनीतिक, इनका टंटेबाजी है सारी, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां भी इसलिए भुना रहे हैं कि शायद सत्ता हमें, मलाई जो चली गई है हाथों से, वो मिल जाए। क्या गलत कर रही है सरकार? जनसंख्या का आपके ऊपर नहीं पूछेगी कितनी जनसंख्या बढ़ गई, सरकार के पास डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप इसको भी उस एनआरसी से जोड़ जोड़ के, एनआरसी से जोड़ जोड़ के देश को बरगलाने का काम कर रहे हो, और जब भी मुंह खोलते हो दंगा फैलाने की बात करते हो। जब भी ओवैसी का मुंह खोलेगा आप देखना दंगे की बात करेगा, सड़कों पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ऐसे में स्वरा भास्कर को सुन रही थी, दंग बाहर आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, मुसलमानों के खिलाफ ही आता है क्या इस देश में सब कुछ? बरसों से मुसलमान रह रहे हैं ना सम्मान के साथ, रहने दीजिए मुसलमानों को। जिसको देखिए मुसलमानों पे राजनीतिक रोटी भांजने आ जाता है, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो वैसी हो। मैम, विपक्षी पार्टियां इस तरह के तर्क दे के लोगों को क्यों भड़काती हैं कि जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है? देखिए, बरसों से इन्होंने यही राजनीति करी है,
हमें सबको डराया है मुसलमानों को। अरे अरे अरे, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खतरनाक पार्टी है, ये तो मुसलमान को इस देश में जीने ही नहीं देगी। किस लिए? कि सत्ता की मलाई सिर्फ हम ही खाते रहे। ये जो सत्ता के मजे हैं ना, जो हाथों से छीन रहे, क्या हुआ अगर एक देशभक्त प्रधानमंत्री आ गया? क्या दिक्कत है अगर एक प्रधानमंत्री आके देश में एक नई तरीके का बिगुल बजाता है, हमारे तिरंगे को सर पे बैठाता है? क्या दिक्कत है उसमें? वंदे मातरम नहीं कहोगे? जय हिंद जय भारत नहीं कहोगे? कि मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगा? अरे वो भी कहो, लेकिन वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? किसी भी चीज़ में, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? आपने मुसलमानों को भी उल्टी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। नहीं नहीं, ये मत बोलना, इससे तो तुम्हारा इस्लाम ही खतरे में आ जाएगा। इस्लाम कहता है देश की एकता अखंडता को बनाने के लिए आगे बढ़िए। ये नहीं सिखाया ओवैसी ने, ये सिखाया ये मत कहना वो मत कहना, देशद्रोही बना के छोड़ दिया मुसलमानों को। क्यों? मुसलमान भी तो देशभक्त है, उसने भी तो बॉर्डर पे भी जान लड़ाई है और देश में भी हर जगह आगे खड़ा रहता है। लेकिन ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों को क्या अटैक दिलवाते हैं? ये तो देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने भड़काया है कि वंदे मातरम बोलने से तो तुम्हारा ईमान धर्म ही चला जाएगा। गलत है ये ओवैसी जी की बात, या जो भी इस तरीके की बातें सिखाते हैं। मुसलमानों को जागरूक होकर देश की मुख्यधारा से जुड़ना होगा, और इस देश में रहकर भारत माता की जय कहने में कोई बुराई नहीं है। मैं बोल रही हूँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्या दिक्कत है? कोई खतरे में नहीं आता धर्म। मैम, अब जैसे कि तीन देशों से प्रताड़ित जो हिंदू और अलग धर्म के लोगों को भारत में लाने के लिए अगर मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया भी है, तो उसको विपक्षी पार्टी ये क्यों कह रही है कि धर्म के आधार पर बंटवारा करने की साजिश है, मुसलमान को देश से बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह का क्यों बरगलाना हो रहा है? राजनीति कैसे करेंगे फिर? कुछ तो उल्टा सीधा बोलेंगे, तभी तो राजनीति होगी ना। आप मुझे बताइए, मेरे हिंदू भाई जो मुस्लिम कंट्रीज में प्रताड़ित हैं, जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें जो प्रताड़ित हिंदू भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देना में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? एक तरफ तो मुसलमान भाइयों से आप ये कहलवा रहे हो भाईचारा है, हम तो देश के लिए हैं। हम जब देश के लिए और भाईचारा है, तो हिंदू भाइयों का स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो? स्वागत करना चाहिए सारे मुसलमान भाइयों को कि हाँ स्वागत है, हम रखेंगे समाज में अपने साथ, हम उनको जो परेशानी होगी उसमें भी साथ देंगे। ये नहीं करवाएंगे, उल्टा क्या सिखा रहे हैं? देखो तुम्हें निकाल रहे हैं। अरे हिंदू भाइयों को नागरिकता देना तो सम्मान की बात है, सैल्यूट करिए सबको और सम्मान से अपने साथ में रखिए। आप उनकी उनको भी उल्टा पढ़ा रहे हैं मुसलमानों को। ये जो हिंदू भाइयों को नागरिकता दे देंगे ना, तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे इस देश में। कभी मुसलमान भाइयों को किसी ने उंगली भी उठाकर देखा है? देखा है कभी किसी ने? सारे मुसलमान भाई इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बल्कि मैं आपके माध्यम से कहती हूँ हमेशा, भारत ये एक ऐसा महान देश है जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से डरता है कि मैं इसे कुछ ना कह दूं, मेरा भाई परेशान ना हो जाए। ये है हमारा देश। इस देश को सलाम जितनी बार किया जाए ना शरीन, उतनी बार कम है। ये कम से कम ये पाखंडी अगर समझ जाए ना, इन पाखंडियों को समझने की ज़रूरत है जो देश की ना इज्जत करते हैं। जैसे वो अरुंधति रॉय आ गई, अरुंधति रॉय क्या कहती हैं? रंगा बिल्ला, शर्म नहीं आती उन्हें? प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करती हैं? सामने आके खड़ी हो जाएं जरा मेरे सामने, अभी धज्जियां उड़ा के रख दूंगी मैं उनकी। खुद नक्सलवादी हैं, खुद अपने गंदे गंदे काम करती हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम करती हैं, और क्या कहती हैं प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उन्हें। मैं आपके माध्यम से कड़ा मैसेज दे रही हूँ अरुंधति रॉय को। ज्यादा बहुत बुद्धिजीवी बनती हो ना, बुद्धिजीवी नहीं भ्रष्ट जीवी हो तुम, दिमाग तुम्हारा गया हुआ है, सटक गया है। तमीज सीखो पहले देश के लिए। और मैं तुम्हारे माध्यम से कह रही हूँ, जहां चाहे आ जाए मेरे से डिबेट करने के लिए। अरुंधति राय को देश का पाठ पढ़ाकर नहीं भेजा ना, तो शबनम खान नाम नहीं है मेरा। मैम, अब जैसे कि कांग्रेस ने हमेशा जो देश के हित में काम हुए उसको हमेशा उंगली उठाई, चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, या फिर 3 तलाक जैसे मुद्दे हो, जिससे लोग खुश हुए, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की उंगली क्यों उठाई जाती है कि ये देश हित में काम नहीं है, इस तरह के काम नहीं है? मैं बताती हूँ, सारी जिंदगी तो मुसलमानों की वोट लेने का काम किया ना, सारी जिंदगी तो मुसलमानों की वोट लेने का काम किया। किस किस नाम पर? देखो ये राम मंदिर बना लेंगे, क्यों भाई राम मंदिर क्यों नहीं बनेगा? राम मंदिर बनना चाहिए। धारा 370 ना हट जाए, धारा 370 हट गई तो बड़ा मुसलमानों के ऊपर कहर टूट जाएगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। हमें हमेशा यूनाइटेड नेशन से डरा के रखा, देखो जी यूनाइटेड नेशन में कॉपी रखी है, अगर हमने 370 35 से हटाई तो बड़ा देश में दंगा हो जाएगा। नहीं हुआ, सारे भाइयों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब इनके पेट में ये मरोड़ है कि मोदी जी के पक्ष में सारे फैसले जा रहे हैं, तो हम किस तरह से इसको भुनाएं? भुनाने में कुछ आ नहीं रहा। प्रधानमंत्री को तो जितनी बार सैल्यूट किया जाए कम है कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए। ऐसे बड़े डिसीजन लेने के लिए मर्दानगी चाहिए होती है, मर्द चाहिए होता है ऐसे डिसीजन लेने के लिए। आप उन पर उंगली उठाते हैं,
उनको गंदे शब्दों से नवाजते, शर्म आनी चाहिए, बल्कि खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए कि जो सारी जिंदगी हम नहीं कर पाए आप कर पाए हैं, आपकी जिंदाबाद। क्या हुआ, देश हित में है ना, जो देश हित में, आप भी देश हित में कहते हो कि हमारी पार्टी है, तो देश हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करो सैल्यूट, करना चाहिए सैल्यूट। मुसलमानों को भी जागरूक होकर नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए। पहली बार मुसलमानों को कोई ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, पहली बार मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। मेरी बहनें डरी घूमती थी, लड़ाई लड़ी है हमने बहुत लंबी इसके लिए, किस तरह से बहनें डरी घूमती थी। 20 साल की लड़की है, 2-3 बच्चे, छोड़ दिया आपने कि चाय गर्म नहीं थी, इन बातों पर छोड़ देते थे आप। अरे बहनों को तो, बहनें तो सैल्यूट कर रही हैं, पुरुषों को भी जागना होगा। 3 तलाक से मुक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां बंद हो रही हैं। मैम आप ये कह रहे हो कि 3 तलाक जब हटा तो मुस्लिम जो बहनें थी उन्हें न्याय मिला, वो खुश हैं, पर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया, राम मंदिर बनाना, 3 तलाक हटाना, क्या कोई समझ नहीं पा रहा है कि 2014 के बाद आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो? इस तरह के सवाल दागते हैं वो संसद में बैठ के। मैं आपके माध्यम से ये पूछ रही हूँ शिरीन कि ये बताइए, आज मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली, ये बुरा काम है? बुरा बता रहे हैं आप इसे, मतलब मुसलमान बहनों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं आप? दूसरा, राम मंदिर बन गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, पूरा देश शांत है, हमारे हिंदू भाइयों ने जश्न भी नहीं मनाया कि मुसलमान भाइयों को बुरा ना लग जाए, तो ऐसे भाइयों को आप सैल्यूट नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि राजनीतिक रोटियां बंद हो गई? किस पे करेंगे अब राजनीति, किस पे करेंगे? मुसलमानों की राजनीति, सारी पार्टियों की, सारी पार्टी, सारे के सारे मुसलमान अब मोदी जी को वाहवा करते हैं कि हाँ हमें बहुत सारा सम्मान मिला है, हमें हर जगह जो भी कानून आए हमारे पक्ष में आए। ये भी अवेयरनेस की कमी थी जो मुसलमान समझ नहीं पाए, और इन्होंने उसका भी लाभ लेने की कोशिश की, लाभ मिला नहीं और ना ही लाभ लेने देंगे। मेरे जैसे जो जागरूक मुस्लिम है ना देश के, वो बताएंगे घर घर जाकर मुसलमानों को कि सारे फैसले आपके हित में आ रहे हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी आपको दबा के रखा, कुचला के रखा, मुसलमान बहनों को पैरों की जूती बनवा के रखा, आज हम सब चीज़ों से उबर पा रहे हैं। किसकी वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो ओवैसी को भी समझना चाहिए कि अब राजनीतिक रोटी नहीं सेकने देंगे, अब शबनम खान जैसे जागरूक लोग सड़कों पे घूम घूम के मुसलमानों को जागरूक करेंगे कि हम ओवैसी के पिट्ठू नहीं हैं, हम किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के पिट्ठू नहीं हैं, जो हमें समाज में ऊपरी दर्जा दिलवाएगा हम उसके साथ देंगे। शोएब अख्तर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब जैसे कि इमरान खान हमेशा बरगलाते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी माइनॉरिटी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता, तो वहाँ पे शोएब अख्तर कहते हैं कि जो हिंदू खिलाड़ी थे, दानिश कनेरिया जो खिलाड़ी थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, तो ये कैसा क्यों हो रहा है? नहीं, हिंदू भाइयों पे वहाँ अत्याचार कोई आज की कहानी थोड़ी है। जितने भी हिंदू भाई, कितने परसेंट रह गए? 1.5% मैं बोल रही हूँ, 2% भी लगा लीजिए, कहाँ चले गए मेरे हिंदू भाई, कहाँ चले गए? आप उनको सम्मान नहीं दे पाए, सुरक्षा नहीं दे पाए, आपने हिंदू बहनों का पकड़ पकड़ के शादी कराई है मुसलमानों से, मुसलमान बनाने की कोशिश की है उन सबको जो वहाँ हिंदू भाई रहते थे। ये है आपकी सरकार इमरान खान की, वो टटपूंजिया इमरान खान हमें बताएगा कि क्या है और क्या नहीं है। और वो जो शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर ने सच्चाई कह दी, सच्चाई कह दी तो पेट में दर्द होना तो लाजमी है। उसने बता दिया, दानिश कनेरिया जो क्रिकेटर है आपकी कंट्री का, आपने उसको भी नहीं बख्शा, उसको साथ में रोटी भी नहीं खिलाते थे आप। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, और इमरान खान को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ना अपना बिल भरने की औकात, अपने प्रधानमंत्री कार्यालय का बिल भरने की औकात भी नहीं है। वहाँ पे लोग जूझ रहे हैं, 2 जून रोटी मिल जाए उसकी भी औकात नहीं है, भोंकने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े बातें इनके पास। तो इमरान खान अपनी औकात में रहे, वरना वो पाकिस्तान भी अभी थोड़े दिन में अगर गुस्सा दिलाया ना भारत के लोगों को, पाकिस्तान को इधर घसीट लाएंगे अपने पास। 2 दिन लगते हैं हमें सिर्फ, इतनी ताकतवर है हमारी फौज, ये याद रखना चाहिए उसको। यहाँ पे पाकिस्तान में इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज के पास, हिंदुओं के ऊपर, और फिर भी अगर वहाँ से प्रताड़ितों को भारत में बुलाया जा रहा है तो उन्हीं की जबान बोलती है कांग्रेस कि सीए क्यों, बाहर से लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, इस तरह के बयान देती है, क्यों पाकिस्तान की हमेशा बोली बोलती है कांग्रेस? मैं तो ये देख कर आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि क्या हम इतने सालों से इन पार्टियों को पाल पोस रहे थे, हम ऐसी पार्टियों को पाल पोस करके सत्ता में बिठा रहे थे इतने साल से जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाती हैं। यहाँ पर जो भी पाकिस्तान कहता है आप विपक्षियों के मुंह से वही सब सुन लीजिए। नक्सलाइट जो कहते हैं, ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी भ्रष्टजीवी जो घूम रहे हैं, इनके मुंह से आप ये सब बातें सुन लीजिए, इनको भी औकात में लाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, ये चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई और हो, या बुद्धिजीवी बनके जो घूम रहे हो, जो हमारे देश को खोखला करने का काम करते हैं,
बाहरी आतंकवाद से निपटना आसान है। शरीन, ये जो घरेलू आतंकवादी है ना, जो हमें खोखला करते हैं अंदर से, इन पे अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपके प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से मेरी अपील है कि प्लीज ऐसे ये जो अंदरूनी हमारे हैं ना घात पहुंचाते हैं जो हमें, इन पे अंकुश लगाने के लिए करिए कड़े से कड़े काम। पूरे देश की जनता और मेरे जैसे जो देशभक्त हैं सब आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम जय। बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया, आपकी बात, बहुत बढ़िया, कीमती सब्जी।